हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद साइंस सेशन टू, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। चतुर्थ अध्याय को पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें रोग अनुत्पन्नीय मतलब रोग उत्पन्न नहीं हो, ऐसा अध्याय का वर्णन इसमें किया जा रहा है कि रोग उत्पन्न ही नहीं हो ऐसी विधि कौन सी है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले है वेग 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 रोधन विच्छेद, मतलब 13 प्रकार के वेग बताए हैं जिनको जिनको हमेशा अधारणीय वेग, उनको अधारणीय वेगों का नाम दिया है। तो वेग रोधन का निषेध मतलब वेग जितने भी हैं उनको वेगों को नहीं रोकना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से वेग हैं 13 प्रकार के, उनके बारे में बताया गया है। वेगा न धारियेत, वात वृण मूत्र क्षवत्र क्षुधाम, निद्रा काश श्रम श्वास जर्मा छर्दूषी रेतसाम, ये 13 प्रकार के वेग हैं। तो कौन कौन से हैं, मनुष्य को ऊर्ध्वात यानी अधोवात, ऊर्ध्वात या मध्यवात दोनों, वात का वेग को नहीं रोकना चाहिए, ऊर्ध्वात है तो नहीं रोकना चाहिए, अधोवात है तो नहीं रोकना चाहिए, मल मूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए, छींक के वेग को नहीं रोकना चाहिए, प्यास के वेग को नहीं रोकना चाहिए, भूख और प्यास को नहीं रोकना चाहिए, निद्रा को नहीं रोकना चाहिए, काश के वेग को नहीं रोकना चाहिए, श्रमजनित श्वास को नहीं रोकना चाहिए, जम्भाई आती है उबासी उसको नहीं रोकना चाहिए, अश्रु के वेग को नहीं रोकना चाहिए, वमन और शुक्र। इस प्रकार से इन 13 वेगों को उपस्थित होने पर बाहर निकाल देना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। अगर इनको रोकेंगे तो तरह तरह की व्याधियाँ होगी। अब क्या व्याधियाँ होंगी उनका आगे वर्णन किया जा रहा है, उसको बता रहा हूँ मैं आपको। अब है अधोवायु के अवरोध से रोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया कि अधोवात से रोधेन कुल्म उदावृत रुक क्लमा, वात मूत्र सकृत संग दृष्ट अग्नि बद हृदगदा। इन्होंने बताया है कि अधोवात यानी अपान वायु को रोकने से अगर रोकोगे उसमें तो क्या होगा, उससे गुल्म हो जाएगा, उदावृत हो जाएगा, रुक यानी वेदना होगी, क्लम हो जाएगा, ग्लानी हो जाएगी, और वात मूत्र और सकृत, वात का मतलब अधोवायु, अधोवात अपान वायु का, मूत्र का सकृत यानी मल का, इनका संग इनका अवरोध हो जाएगा, ये नहीं निकल पाएंगे। दृष्टिवध यानी दृष्टि से दिखना कम हो जाएगा, दृष्टि का वध हो जाएगा, दृष्टि का दुर्बल हो जाएगा, और अग्निनाश का जठराग्नि मंदाग्नि हो जाएगी, और हृदय के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, इस तरह की व्याधियाँ हो जाएगी। तो इसमें चिकित्सा क्या बताइए कि स्नेह स्वेद विधि तत्रम वर्तयो भोजनानी चे पानानी वस्ती सस्तम वातानुलोमनम, इसकी चिकित्सा बता दी इन्होंने साथ साथ यहीं कि वातजन्य विकार होने पर स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए, स्नेहन और शरीर को स्नेहन में नहीं तेल लगाना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए, और वर्तियों कई प्रकार की वर्तियाँ जो मल को निकालने के लिए फलवर्तियों का प्रयोग ऐसी करना चाहिए, ऐसा भोजन करना चाहिए जो मल को निकाले, पान और बस्ती का प्रयोग करना चाहिए जो वात को अनुलोमन करने वाले पान मतलब पेय पदार्थ और बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, ये इसकी चिकित्सा में है। आगे है मल के वेग को रोकने से रोग कौन से होते हैं उसके बारे में बताया है कि सकृत पिंड को उद्विष्टम प्रतिशाय शिरोरुजय ऊर्ध्ववायु परिकीर्तो हृदयस्यो परिरोधनम रोधनम मुखेन विट प्रवृत्ति से पूर्वाक्ताश्च आमय स्मृता। अगर मल के वेग को रोकोगे आप तो क्या होगा कि सकृत पिंड को द्वेष्ट पिंडलियों में मतलब पैरों की जो पिंडलियां हैं इन पिंडलियों में ऐठन हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगा, जुकाम हो जाएगी, सिरदर्द हो जाएगा, वायु का ऊपर जाना हो जाएगा, परिकीर्ति का शरीर में कीड़े चींटी चलती है इस प्रकार की चींटी चलने की इस प्रकार की आभास होगा, हृदय का अवरोध हो जाएगा, मुख में मल का आना हो जाएगा, और वात गुल्म जन्य रोग उदावत रोग जैसे इस प्रकार के रोग हो जाएंगे। मूत्र वेग रोकने से क्या होगा कि अंग भंग अस्मरी बस्ती मेढ्र भंक्षण वेदना मूत्र से रोधोत पूर्वम चे प्रायो रोगा। इन्होंने और इस तरह बताया कि पहले जो रोग होते हैं वो भी उन्होंने बताया कि पहले वाले रोग भी इसमें हो जाएंगे। तो इसमें क्या बताया कि मूत्र वेग को रोकोगे आप तो अंगों का टूटना हो जाएगा, पथरी होगी, बस्ती में ब्लेडर में वेदना होगी, मिहन शिश्न में वेदना होगी, वंश में वेदना होगी, और वात और मलावरोध जन रोग भी प्राय होते हैं, मतलब मल को रोकने वाले और अपान वायु को रोकने वाले रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, और पहले वाले रोग भी इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, इस प्रकार की इसमें बताइए। अब इसकी औषधि क्या बताइए इन्होंने मल को रोकने में और मूत्र को रोकने में औषधि बताइए कि वर्त अभ्यंग
अवगाहस्य स्वेदनम वस्ति कर्म च। इसमें क्या बताइए इन्होंने, वर्तना मतलब कई प्रकार की वर्तियाँ जो फल वर्तियाँ देते हैं गुदा में मल को तोड़ने और निकालने के लिए, वो कई कई प्रकार की फल वर्तियों को देना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, और अवगाह यानी टब टब में टब टब में अवगाहन करना चाहिए, और स्वेदनम स्वेदन करना चाहिए, और वस्ति कर्म चाहिए, और वस्ति कर्म का प्रयोग करना चाहिए। ये इसकी चिकित्सा है, इस प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अन्नपानम च विड भेदी विड रोधी सु यक्ष्मसु। और इसके अलावा अगर मान लो मल की वेग को रोकोगे आप, तो उसमें क्या है, मल की वेग को रोकने के उपाय में बताया कि अन्नपान से विड भेदी, मतलब ऐसा अन्नपान करो, ऐसा अन्नपान ऐसा ऐसा भोजन करो जो विड भेदी, विड यानी मल, मल को भेदने वाला हो यानी मल को तोड़ने वाला हो, इस प्रकार का करो। और विड रोधे सु यक्ष्मसु, सिर्फ विड को मल को रोकने की क्रिया किसमें करनी चाहिए, सिर्फ यक्ष्मा रोग में ये मल की रक्षा करनी चाहिए, यक्ष्मा रोग यानी टीबी रोग में मल की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मलायत्तम बलम पुंसाम, मल में ही पुरुषों का बल है, इसलिए यक्ष्मा रोग में मल की रक्षा करनी चाहिए। मूत्र वेग रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं, कि मूत्र जेसु तू पाने च प्राग भक्तम सस्यते घृतम जीर्णांतकम चो तुमाया मात्रया योजना द्वयम अवपीड़क से अवपीड़क में तच्च संगीतम। इसको औपीड़क संज्ञा इसको दी गई है किसको, कि मूत्रजन्य रोगों में भोजन से पूर्व घृतपान करना चाहिए। क्या लिखा है उन्होंने कि पानी से प्राग भक्त सस्यते घृतम, प्राग भक्त यानी भोजन से पूर्व घृतम सस्यते यानी घी को, घी का पान, घी को पिलाना चाहिए। और जीर्णांत के या चो उत्तम आया मात्राया, और अगर भोजन जीर्ण हो जाए तो उसके बाद में उत्तम मात्रा से उसको भोजन को उसमें भोजन के बाद भी पच जाने के बाद भी उसको घी को पिलाना चाहिए। इन दोनों की यहाँ को अवपीड़क संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से घृत पिलाने से इसकी चिकित्सा संभव हो जाती है। आगे डकार रोकने के रोग, डकार रोकोगे तो क्या रोग होगा, कि धारणात् पुनः, इसको धारण करोगे पुनः उद्गार, उद्गार को, उद्गार को अगर धारण करोगे तो क्या होगा, अरुचि, अरुचि हो जाएगी शरीर में, कंपो कंपन होने लगेगा, विबंधो विबंध होने लगेगा, हृदय रसो हृदय, हृदय में पीड़ा हो जाएगी, हृदय में हृदय की वेदना हो जाएगी, आधिमान, आधिमान पेट में उधर में आधिमान हो जाएगा, गोलापन हो जाएगा, कास खांसी हो जाएगी, हिदमा हिक्का हो जाएगी, हिदमा तत्र भोजनम। और इसमें चिकित्सा क्या बताया कि हिक्का में जो चिकित्सा की जाती है वही इसमें भेषज यानी वही इसमें चिकित्सा है, जो हिक्का में चिकित्सा करनी चाहिए वही चिकित्सा इसमें आपको करनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। छींक रोग, छींक के वेग को रोकने से क्या होगा, कि शिरो अर्ति इंद्रिय दौर्बल्य मन्या स्तंभ अधितम क्षते तीक्ष्ण धूमांजन घ्राण नावक अर्क विलोकनी प्रवर्त क्षुति सत्तान स्नेह स्वेदो चैशीलियत। अब उन्होंने बताया कि छींक के वेग को रोकने से क्या होगा, उसकी चिकित्सा क्या है, उसमें बताया छींक, अगर छींक का वेग को अपन रोकेंगे तो सिरोवर्ती यानी सिर में पीड़ा होगी, सिर में दर्द होने लग जाएगा, इंद्रिय दौर्बल्य इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी, मन्या स्तंभ यानी गर्दन में, मन्या बोलते हैं गर्दन, गर्दन में स्तंभ हो जाएगा, जकड़ जाएगी गर्दन, जकड़ जाएगी इसको, और अर्धितम, अर्धितम यानी अर्धित मुँह का तिरछा होना, मुँह तिरछा हो जाएगा, ये क्षुते यानी क्षुते छींक के वेग को रोकने से होता है। और इसमें क्या करना चाहिए, तीक्ष्ण धूमांजनम, इसमें इसकी चिकित्सा में बताया कि रुकी हुई छींक को प्रवृत्त करने के लिए तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण धूमों का प्रयोग करना चाहिए, तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करना चाहिए, तीक्ष्ण नावन यानी नावन है नस्य, नासा में तीक्ष्ण नस्यों का प्रयोग करना चाहिए, और सूर्य को देख करके ये सब प्रयोग करें, स्नेहन और स्वेदन करें, तो इसमें इसकी चिकित्सा संपूर्ण रूप से हो जाती है। आगे प्यास के वेग को रोकने से क्या होगा, कि सोसांग साध वाधीर्य सम्मोह भ्रम रतगदा तृष्णाया निग्रह से सीते सर्वा विधि हित है। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर आप प्यास के वेग को रोकोगे तो सोस रोग उत्पन्न हो जाएगा, मुख सोस हो जाएगा यानी मुख सूख जाएगा आपका, अंग साध अंगों में शिथिलता आ जाएगी, और सम्मोह वाधीर्य यानी बहरापन हो जाएगा, सम्मोह यानी ज्ञान का अभाव हो जाएगा, भ्रम चक्करने लगेंगे, हृदय गदा यानी हृदय में पीड़ा होने लग जाएगी, इस प्रकार की दिक्कत हो जाएगी, और तृष्णया निग्रह तृग्णा, इसमें चिकित्सा क्या करनी चाहिए, शीत सर्वा विधि रहते, इसमें संपूर्ण शीतल चिकित्सा, जो शीतल चिकित्सा है वो विधि इसमें हित यानी अच्छा काम करने वाली होती है, शीतल चिकित्सा इसमें करनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। भूख के वेग को रोकने के लिए बताया कि भूख के वेग को रोकेंगे तो क्या होगा, अंग भंग रुचि रानी कार्य सूर्य भ्रमा भ्रमा भ्रमाक्षुद है
तत्र भोज्यम लघु स्निग्ध उष्णम अल्पम से भोजनम। अब इन्होंने बताया भूख के भी रोकने से क्या होगा कि भूख के भी रोकेंगे तो अंगों का टूटना, अरुचि, क्लानी, कृशता, शूल और चक्कर आने लग जाएगा। इससे इसमें लघु स्निग्ध उष्ण और मात्रा में थोड़ा भोजन करना चाहिए। मान लो आप भूख की भूख रोकोगे तो एक दिन एकदम नहीं कि अत्यधिक रूप से भोजन कर लिया जाए, इसमें लघु बहुत ही पाचन में लघु हो जो स्निग्ध तक पच जाए, ऐसा स्निग्ध यानी घृत वाला उष्ण और मात्रा में थोड़ा कम भोजन करना चाहिए, ये इसकी चिकित्सा में है। अब है निद्रा के विवेक को रोकने में क्या करना चाहिए कि निद्रा के विवेक को रोकोगे तो क्या होगा, क्या इसकी चिकित्सा है। उसमें लिखा है कि निद्रा या मोह मूर्धा अक्षी गौरव आलस्य डंबिका अंग मर्दस्य तत्रेष्टम स्वप्नम सव्य संवाहनानी चय। अब इसमें बताया इन्होंने कि निद्रा के विवेक को रोकोगे आप तो मोह हो जाएगा आपको, आप सिर में भारीपन हो जाएगा, आँखों में बोझ जैसा रहेगा, आलस्य हो जाएगा, जम्हाई आना यानी आपको उबासी आने लग जाएगी और अंगों का टूटना, अंग जैसे टूटेंगे जैसे बुखार ज्वर में जिस तरह से अंग टूटने होते हैं वैसे अंगों का टूटना शुरू हो जाएगा, ये इसमें शूल होगा। और इसकी इसमें चिकित्सा इसमें क्या है कि तत्रेष्टम इष्ट क्या है इसमें स्वप्नम संवहानी चाहिए यानी नींद लेना और संवहन करना यानी चापी पैर दबाना, संवहन करना और नींद लेना ही इसकी चिकित्सा है। इस प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। दिस सेशन फॉर प्रोवाइड बाई डिजिटल लेसन टू, आई होप यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज मेंशन कमेंट बॉक्स, आई विल रिसॉल्व इट। थैंक यू।